हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अर्थक्वेक एनालिसिस। और जैसा ही आपको पता है, इसमें दो मेथड है, स्टैटिक एनालिसिस मेथड एंड डायनेमिक एनालिसिस मेथड। सो दिस आर द टू मेथड्स व्हिच कम्स इन द अर्थक्वेक एनालिसिस। अभी हम स्टैटिक एनालिसिस मेथड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, फिर आगे हम डायनेमिक एनालिसिस मेथड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। स्टैटिक एनालिसिस मेथड को इक्विवेलेंट स्टैटिक एनालिसिस मेथड भी बोला जाता है, और IAS 1893 Part 1 2016 Revision Code is used for the earthquake analysis of the designing of the structures. So Part 1 is for general provisions and buildings. So problem statement हमारे पास ये है, वो मैंने already explain किया हुआ है, और अगर आपने previously video miss किया है, so please watch all that video in order to understand this video. तो प्रीवियसली हमने एएच की वैल्यू फाइंड की थी, तो उसके वो वीडियो अगर आपने मिस किया है तो प्लीज वो वीडियो आप पहले देखो, तभी जाके आपको ये वीडियो पता चलेगा। और ये जो स्टैटिक एनालिसिस मेथड है, दैट इज एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मेथड उसको बोला जाता है कि जिसमें साइंटिस्ट और रिसर्चर्स नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करके एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और वो फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो उससे हमें उसकी एम्पिरिकल वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल मेथड। और ये जो स्टैटिक एनालिसिस मेथड है, इट डज नॉट इंक्लूड क्विक मोशन, इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ द टाइम। इट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द डायनेमिक एनालिसिस एज वेल। सो स्टैटिक एनालिसिस मेथड की फॉर्मूला क्या है, VB इक्वल टू AH इनटू W। VB यानी क्या है, डिजाइन बेस शियर, या तो फिर उसको आप बोल सकते हो लैटरल फोर्स, ओके, लैटरल फोर्स और डिजाइन बेस शियर। फिर AH यानी कि डिजाइन एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट, और W यानी कि सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग। So पिछले वीडियो में हमने एज कैलकुलेट किया था, दैट इज 9% आया था, 0.09, और अभी हम W कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस वी विल गो, W इज इक्वल टू सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से ये वीडियो को पूरा देख लोगे तो एक ही बार में आपको ये W कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो पता चल जाएगा। So आपको पता है कि एएच की वैल्यू हमने पिछले वीडियो से फाइंड की थी, पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था एएच की वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। तो एएच की वैल्यू हमारी आई थी 9%। तो अभी हमें डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमें डब्ल्यू मिलेगा और एएच को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वीबी मिल जाएगा। तो लेट अस वी विल सी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग। As per the clause 7.4.1, seismic weight of the floors. So seismic weight of the floor is it full dead load. So हमें dead load क्या लेना है? Dead load हमें लेना है full dead load, 100%. Dead load हमारा हो जाएगा 100%, और जो live load है वो हमारा हो जाएगा partial. So dead load हमारा 100% है। 100% कंसीडर करेंगे क्योंकि हम अज्यूम करते हैं, और अज्यूम नहीं, इट इज फैक्ट कि जब आपका अर्थक्वेक होगा तो डेड लोड यानी कि सेल्फ वेट जो है वो एज इट इज रहने वाला ही है। सेल्फ वेट में कोई भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन जो स्ट्रक्चर आपने लाइट लोड से डिजाइन किया है, लाइट लोड आपने जो लिया है वो लाइट लोड आपका वेरी हो सकता है, 25% हो सकता है, 50% हो सकता है, 75% हो सकता है, लाइक दिस, ओके। सो योर डेड लोड विल बी कंसीडर 100%, दैट इज फुल डेड लोड, एंड लाइव लोड विल बी अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ द इम्पोज लोड। सो दिस अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ द इम्पोज लोड, लाइव लोड, वो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे, सो डब्ल्यू डी एल यानी कि सिस्मिक वेट due to dead load, और WLL यानी कि seismic weight due to live load। अभी हमें live load की को calculate करना है, सबसे पहले dead load भी calculate करेंगे और live load भी calculate करेंगे। So WDL यानी कि seismic weight due to dead load, WLL यानी कि seismic weight due to live load। अभी dead load की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना load है, 12 kN per meter square,
यहाँ पर कितना लोड है 12 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पर कितना लोड है 12 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर लाइव लोड की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। और रूफ की अगर बात करें तो रूफ में डेड लोड कितना है 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और लाइव लोड कितना है 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सभी पैरामीटर्स हम माइंड में रखेंगे और उसके बाद हम आगे कैलकुलेट करते हैं। अभी स्टोरी हाइट, तो फर्स्ट फ्लोर की स्टोरी हाइट कितनी है 4.2 मीटर, तो ये इसकी स्टोरी हाइट क्या है 4.2 मीटर। फिर 4.2 प्लस 3.2 तो स्टोरी हाइट कितनी हो जाएगी 7.4 मीटर, 4.2 प्लस 3.2 प्लस 3.2 तो दैट इज 10.6 मीटर, और 4.2 प्लस 3.2 प्लस 3.2 प्लस 3.2 तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी 13.8 मीटर, यानी कि एट द रूफ लेवल। ओके, सो W1, W2, W3 वो हमारा सेम होगा फॉर डेड लोड और लाइव लोड के लिए, क्योंकि वो हमें फुल कंसीडर करना है। ओके, और रूफ फॉर ऑल द फ्लोर W1, W2, W3 विल बी सेम, एंड फॉर रूफ WDL प्लस WLL। ओके, सो डेड लोड और लाइव लोड दोनों को हम ऐड करेंगे रूफ में, और फ्लोर के लिए भी डेड लोड लाइव लोड दोनों को ऐड करेंगे, तो वो वैल्यू हमारी सेम रहेगी W1, W2, W3, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3। WDL यानी कि सिस्मिक वेट ड्यू टू डेड लोड और WLL यानी कि सिस्मिक वेट ड्यू टू लाइव लोड। अभी फ्लोर एरिया कैलकुलेशन, तो यहां पर हमारे पास कितना स्पान है 20 मीटर, यहां से यहां 20 मीटर है और यहां से यहां 15 मीटर है, सो 20 × 15, सो हमारे पास टोटल एरिया कितना हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑन ईच फ्लोर ये भी हमारा 300 मीटर स्क्वायर, अगर एलिवेशन में देखोगे तो ये हमारा 300 मीटर स्क्वायर, ये भी हमारा 300 मीटर स्क्वायर, ये भी हमारा 300 और ये भी हमारा 300 मीटर स्क्वायर। सो सिस्मिक वेट ड्यू टू डेड लोड हम पहले कैलकुलेट करते हैं ईच फ्लोर के लिए। सो एरिया हमारा कितना है 300 मीटर स्क्वायर, डेड लोड कितना है 12 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमें कितना लेना है डेड लोड 100%, सो 12 × 100, सो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, सो हमें लोड मिल जाएगा किलोन्यूटन में, सो 12 × 300, सो 3600 किलोन्यूटन। सो 3600 किलोन्यूटन जो हमारा लोड होगा वो ईच फ्लोर, फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2 और फ्लोर नंबर 3। ओके, सो ईच फ्लोर में हमारी वैल्यू कितनी होगी, हो जाएगी 3600 किलोन्यूटन। अभी लाइव लोड की बात करते हैं, तो लाइव लोड में यहाँ पर टेबल नंबर 10 में दिया है परसेंटेज ऑफ इम्पोज लोड ड्यू टू द सिस्मिक वेट। अभी अगर आपका लाइव लोड 3 किलोमीटर से कम है तो आप उसको 25% कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर 3 किलोमीटर से ज्यादा है तो आप 50% उसको कंसिडर कर सकते हो। हमारे केस में लाइव लोड कितना है 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, सो हम 50% कंसिडर करेंगे, सो 4 × 300 मल्टीप्लाई बाय 50%, सो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 600 किलोमीटर। ऑब्वियसली इजी टू अंडरस्टैंड है, सो टोटल सिस्मिक वेट ऑन ईच एंड एवरी फ्लोर तो कितना हो जाएगा 3600 प्लस 600, सो दैट इज 4200 किलोमीटर। ओके, सो 4200 किलोन्यूटन हमारे पास टोटल सिस्मिक वेट ऑन ऑल द फ्लोर्स। सो 4200 किलोन्यूटन ऑन वन फ्लोर, 4200 किलोन्यूटन फॉर अनदर फ्लोर एंड 4200 किलोन्यूटन फॉर अनदर फ्लोर। अभी हम रूफ की बात करते हैं, तो रूफ में सबसे पहले डेड लोड कंसिडर करते हैं, सो डेड लोड तो फुल ही आएगा, सो एरिया कितना है 300 मीटर स्क्वायर और डेड लोड कितना है 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, सो 300 × 10, सो 3000 किलोमीटर। लेकिन लाइव लोड कितना होगा, सो इफ यू विल बी रिफर क्लॉज 7.3.2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन सिस्मिक फोर्स ऑफ बिल्डिंग इम्पोज लोड, यानी कि लाइव लोड ऑन द रूफ नीड नॉट टू बी कंसिडर। जब अर्थक्वेक होगा तब ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि रूफ के ऊपर कुछ भी लाइव लोड नहीं होगा, तो आपको लाइव लोड क्या कंसिडर करना है 0 किलोन्यूटन, 0%, यानी कि 0 आपको कंसिडर करना है। ओके, सो यहाँ पर एरिया ऑफ ईच फ्लोर 300 मीटर स्क्वायर, 1.5 kN पर मीटर स्क्वायर हमारा लाइव लोड है, लेकिन 0%
कंसिडर करना है तो हमारा लाइव लोड कितना हो जाएगा, जीरो। सो सिस्मिक वेट ऑन द रूफ डेड लोड और लाइव लोड, सो डेड लोड कितना है 3000 किलोन्यूटन और लाइव लोड कितना है जीरो, सो टोटल हमारे पास हो जाएगा 3000 किलोन्यूटन। अभी टोटल सिस्मिक वेट हम फाइंड करते हैं, टोटल सिस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग क्या आएगा, 4200 प्लस 4200 प्लस 4200, दैट इज ऑल द थ्री फ्लोर्स, 1 2 3 फ्लोर्स, और रूफ के ऊपर कितना है 3000, सो टोटल हमारे पास लोड आ जाएगा 15600 किलोन्यूटन। सो हमें यहाँ से W की वैल्यू मिल गई है 15600 किलोन्यूटन, H की वैल्यू हमें 9% मिली थी, सो VB की वैल्यू हमें कितनी मिली है 1404 किलोन्यूटन। सो टोटल बेस शियर, टोटल लेटरल फोर्स हमें मिला है, दैट इज 1404 किलोन्यूटन। सो AH की वैल्यू है 9%, W की वैल्यू है 15600 किलोन्यूटन, तो VB की वैल्यू हमें मिल गई है 1404 किलोन्यूटन। सो टोटल बेस शियर हमें मिला है 1404 किलोन्यूटन, टोटल लैटरल फोर्स बेस शियर बोल सकते हैं, या तो फिर लैटरल फोर्स बोल सकते हैं, या तो फिर डिजाइन बेस शियर बोल सकते हैं, ओके। तो ये जो हमें टोटल बेस शियर मिला है 1404 किलोन्यूटन एट द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर है, अभी हम ये जो वैल्यू है 1404 किलोन्यूटन उसको डिफरेंट फ्लोर में कैसे डिवाइड किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो 1404 किलोन्यूटन हमें टोटल वीबी मिल गया है, उसको हम डिफरेंट फ्लोर में डिवाइड करेंगे, और उसको किस तरीके से डिवाइड करना है, कौन से फॉर्मूला यूज करनी है, तो वो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं ये सब चीज एकदम स्टेप बाय स्टेप स्लोली जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। और अभी हम ये सब मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम क्या करेंगे स्टार्ट्रोम में जाएंगे और स्टार्ट्रोम में जाके उसको कैलकुलेट करेंगे, और ये सब चीज स्टार्ट्रोम में से कैसे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं और कौन से पैरामीटर्स हमें रीड करना है, कौन से पैरामीटर्स रीड नहीं करना है, वो सब चीज वो मैं उसमें क्लियर कर दूंगा, ओके। सो नाउ वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो ऑन हाउ टू डिवाइडिंग दिस वैल्यू 1404 किलोन्यूटन वैल्यू ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3 एंड रूफ।